नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत, और न्यूज 18 डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे की बात करने वाले हैं। बात कर रहे हैं आज हम डॉग्स की। डॉग्स जो है इंसान के, इंसानी सभ्यता जब से डेवलप हुई है तब से सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो वो है कुत्ता, यानी कि डॉग, जिसको हम देख रहे हैं कि सबसे ईमानदारी से वो हमारे साथ भी रहता है और सबसे ईमानदार जानवर जिसे कहा जाता है उसे हम मानते हैं। लेकिन इन दिनों लगातार पूरे देश भर में डॉग बाइट की घटनाएं जो है वो लगातार पड़ रही हैं, और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। खास बात ये भी है कि पड़ोसी, केवल भारत में ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वहां पर भी डॉग बाइट्स की घटनाएं जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं। और आलम यह है कि वहां जो वैक्सीनेशन है वो उपलब्ध नहीं है, उसके लिए वहां सरकार जो है वो बड़ी परेशान हो गई है। हालांकि हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में ये वैक्सीनेशन जो है ये तैयार होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है डॉग बाइट की, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है और इसका समाधान कैसे होना चाहिए। न्यूज 18 के इस डिजिटल मंच से हम ये सवाल उठा रहे हैं ताकि जिम्मेदार जागें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। दरअसल कल ही खबर आई, इटली से एक व्यक्ति आए थे, श्रद्धालु आए थे, बाबा महाकालेश्वर की धरा पे पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन करने आए थे, और वहां पर वे एक कुत्ते की बाइट का शिकार हो गए। कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, डॉग बाइट कर लिया। लेकिन आखिर ये वजह है क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है और कैसे इसका समाधान निकले, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इस मुद्दे को आज हमने छेड़ा है, इस मुद्दे को हमने छुआ है ताकि इस पर जिम्मेदार जाग सकें और जो कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जा सके। हमारे साथ आज गौरव आहूजा, आप प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉग एंड एनिमल सोसाइटी के, और साथ ही में हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पटवा भी जुड़े हैं। अजय पटवा, आपके पास मैं आऊंगा। गौरव जी, आपका स्वागत है, और चर्चा की हम करते हैं शुरुआत। और गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ग्वालियर चंबल, आप वहीं से आते हैं, ग्वालियर चंबल अगर रीजन की बात करें, वहां से अभी जो खबर निकल आ रही है वो बहुत चिंता का विषय है। वहां पर प्रतिदिन 500 डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है, पीछे आखिर वजह क्या मानते हैं आप? सबसे मेन रीजन जो डॉग बाइट का होता है वो रहती है एक अवेयरनेस वाली बात। सबसे पहले हमारे आसपास में जो भी डॉग्स वगैरह हैं, जैसे हम गायों के लिए रोटियां बनाते हैं, हम लोगों को हिंदू धर्म में हमारे बताया गया है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी शोन की, तो हम वो पहली रोटी तो बनाते हैं लेकिन आखिरी रोटी नहीं बनाते। जब डॉग भूखे रहते हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता, और उसके बाद जैसे चलते हुए बच्चे होते हैं वो डर के चिल्लाते हैं या फिर वो लात मार देते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ लोग मारते हैं, या फिर जो भी लोग एजुकेटेड नहीं है वो डॉग्स को मारते हैं, चलती बाइकों से भी हमला कर देते हैं, ये चीज हमने भी देखी हुई है। तो डॉग एक तो भूखा प्यासा, उसके बाद अगर उसके साथ कुछ ऐसा केस होता है कि उसको कोई मार रहा है तो उसको सभी लगता है कि सभी लोग मार रहे हैं, इसलिए वो मतलब वो फिर से अटैक करते हैं पलट के। तो ये एक रीजन है डॉग बाइट का, और मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। आप देखेंगे कि अगर डॉग काट रहे होते तो सरकार इनको बैन कर देती कि सारे डॉग्स को उठा के और पॉइजन देके मार देती, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉग्स, सारे डॉग्स नहीं काटते, और आप ये आंकड़ा भी ले सकते हैं कि 100 में से अगर एक डॉग ऐसा कर भी रहा है तो उसमें सारे डॉग तो मतलब दोषी नहीं हो गए ना। एक समझने वाला मुद्दा ये भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे डॉग्स दोषी नहीं है, लेकिन आंकड़े जो है वो चिंताजनक है। और चर्चा में शामिल कर लेते हैं अजय, हमारे सहयोगी जो है उनको भी शामिल कर लेते हैं। अजय, कल उज्जैन से जो खबर आई ये पहली खबर नहीं है, उज्जैन में लगातार ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है ऐसे मामले ना हो? इसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारियां होती हैं, जो स्थानीय प्रशासन जो है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। जी देखिए, जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि हर महीने जो 300 से 400 के आसपास जो केस आ रहे हैं डॉग के काटने के, और जिसको लेकर उज्जैन शहर में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनको जो डॉग के द्वारा काटा जा रहा है। साथ ही उज्जैन शहर की बात की जाए तो उज्जैन में भी करीब 4 से 5-6 केस ऐसे आ रहे हैं अस्पताल में डेली जो डॉग के काटने के आ रहे हैं। पर ये बहुत चिंताजनक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एक महीने में, एक साल में 6030 मामले 2023 में देखने को मिले, वही इसी महीने के शुरुआत में 10 से 15 केस ऐसे आए हैं जिसमें डॉग के काटने के आए हैं।
पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इटली से श्रद्धालु आए थे उज्जैन और महाकालेश्वर मंदिर में इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में जिस तरीके से डॉग की संख्या बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नगर उज्जैन शहर में नगर निगम के द्वारा लगातार डॉगों की जो है नजरबंदी की जा रही है, उनका जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने भी यही बताई थी, जैसे अभी ये बता रहे थे कि जिस तरीके से जो डॉग भूखे रहते हैं जिसके कारण वो चाहे इस पर हमला कर देते हैं, तो उनके पोषण के लिए भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको पोषण जो है जब बराबर मिलता रहेगा तो वो शायद हो सकता है कि इसी कारण वो हमला करते हों और डरे सहमे रहते हों तो इस कारण लोग को हमला करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब नगर निगम भी इनके पोषण की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि जल्द ही उनने कहा है कि जिस तरीके से जिस शहर में जो डॉग है उनकी पूरी वो तैयार की जाएगी लिस्ट, और लिस्ट के आधार पर जितने डॉग है जहाँ पे उस क्षेत्र में उनके पोषण के लिए व्यवस्था की जाएगी और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, साथ ही उनकी नसबंदी की व्यवस्था भी जो है नगर निगम के द्वारा से की जा रही है ताकि उज्जैन भी जिस तरीके से डॉगों की संख्या बढ़ती जा रही है उस पर भी नियंत्रण लगा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसको लेकर चिंतित होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटती है वो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो गलत जाता है। बिल्कुल, संदेश गलत जाता है। गौरव जी मैं आपके पास आता हूँ, संदेश तो गलत जा रहा है। देखिए बात ये नहीं है, बात मामले डॉग्स बाइट के जो बीते सालों में बढ़े हैं, कुछ न कुछ जाहिर तौर पर डॉग्स का व्यवहार जो है उसमें भी परिवर्तन देखा जा रहा होगा। भाई आप डॉग्स की के लिए काम करते हैं, एनिमल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, तो आप भी समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इंसानी व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है, शायद यही वजह हो सकती है। डॉग्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और एक नसबंदी के लिए जो कार्यक्रम पूरे बड़े वृहद स्तर पर चलाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्योंकि उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में भी 300 से 400 केसेस अगर प्रतिदिन आ रहे हैं और ग्वालियर में भी प्रतिदिन 500 केसेस आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाती है। जी सबसे पहली चीज तो ऊपर से नगर निगम को इनके लिए फंडिंग आती है जिससे कि इनकी रोज नसबंदी हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डॉग्स की नसबंदी हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज किसी भी एरिया में एक मेल और एक फीमेल है और वो साल में दो बार बच्चे देते हैं, अगर छह छह बच्चे भी हुए मतलब 12 बच्चे हुए और फिर उनके बच्चे बच्चे करते हैं, तो 4 साल में या 2 साल में ही आप ये समझ लीजिए कि वहां पे आंकड़ा जो 2 साल पहले 2 डॉग्स थे उनका आंकड़ा बढ़ के 40-50 हो जाएगा, और कोई ना कोई कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, कोई ना कोई कुत्ता भूखा रह जाता है अगर आप फीडिंग कर भी रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी एक जवाबदारी बनती है कि वो हर एरिया से डॉग्स उठाएं, नसबंदी करें, और जैसा उनका एक्ट बोलता है, जो नियम बना हुआ है, कि उस डॉग को जहां से उठाया गया वो वहीं छोड़े। तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ये जो डॉग बाइट के केस हैं और जो डॉग काट रहे हैं, ऊपर से जो वहां के लोग हैं उनका भी व्यवहार डॉग को लेकर क्रूरता पूर्वक मतलब क्रूर नहीं हो वो। अगर आप अपने घर से एक रोटी भी रोज एक डॉग के लिए निकालेंगे और एक कॉलोनी में ना ना करके भी आप ये समझिए कि 20 घर तो मिनिमम होते हैं, एक रो में 20 घर होते हैं, तो अगर उन घरों से उनको प्रॉपर खाना और पीने को मिलेगा और उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा तो ये सारी चीजें बिल्कुल 1% से भी कम हो जाएंगी। तो जहां सरकार की जिम्मेदारी है वहां लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कई बार जो वाहन जो है गलत तरीके से चलते हैं और उसमें डॉग्स जो है वो शिकार हो जाते हैं, तो याददाश्त कुछ इस तरीके की होती है कि वो फिर जो भी वाहन निकलता है तो उसके ऊपर वो लपकते हैं, दौड़ते हैं, और ये होता है। लेकिन आपने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी जो होती है, नगर निगम की जिम्मेदारी, नसबंदी कराना, बिल्कुल 2 से 4 और 2 से 6 और 12 आपने बताया कि 2 से 12 हो जाते हैं एक साल में, और फिर एक साल में 2 बार बच्चे करते हैं ये लोग, अगर एक साल में 2 बार बच्चे करते हैं तो वो 12 के 24 हो गए, मैं तो बोल रहा हूँ आधे भी बचे, एक साल में 12 हुए, अब जो उनके बच्चे हुए वो भी तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे करेंगे, तो फिर वो पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ती है, फिर जो स्थानीय लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं सब तो अच्छे नहीं होते कि सब खाना खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है, कई लोग कई कल ही इंदौर से बड़ी दर्दनाक खबर आई, हमने देखा कि एक मदर डॉग जो है वो अपने पपी को दुलार करी रही थी और दूसरी तरफ से कार आ रही थी, बहुत दर्दनाक, शायद आपने भी वीडियो देखा होगा कि वो उस पपी के ऊपर से जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो ये वाकई में दर्दनाक है। और फिर सवाल ये उठता है कि जानवर कौन है आखिर,
और डॉग्स जो है, डॉग्स को तो इंसान का सच्चा साथी माना जाता है, सबसे पुराना साथी जो है वो डॉग कहा जाता है, और सबसे ईमानदार जिसे जिसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इंसान का सबसे पुराना दोस्त जो है वो दुश्मन उसका होता जा रहा है? क्या दुश्मन, क्यों दुश्मनी का कारण है ये? आपने कारण बताया कि दुश्मनी का एक कारण ये भी। अजय के पास चलते हैं, अजय से समझते हैं कि इस मामले में काम कितना हो रहा है। अजय, काम कितना हो रहा है? देखिए मामले में क्या वाकई में जो जिम्मेदार फंड आता है, और ये फंड का क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? डॉग्स को जो डॉग्स है वो अपना मानसिक उनको दूसरी जगह ले जाता है, उनका ट्रीटमेंट करना, घूमते रहते हैं, उनको कई बार बीमार होता है क्या? या फिर जो संस्था है वो जिम्मेदारी जी? देखिए, जिस तरीके से नगर निगम के महापौर का दावा है कि नगर निगम के द्वारा लगातार इस पे जो है निगरानी रखी जाती है, इसका जो जो है नसबंदी का काम किया जाता है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है निचले स्तर के कर्मचारियों को ये पूरा काम देते हैं, पर वो कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से काम को नहीं करते हैं, जिस कारण ये जिस तरीके से उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की भी लापरवाही है, जिसके कारण जो जिस तरीके से इनकी संख्या भी बढ़ रही है। यदि कर्मचारी जो है जिम्मेदारी से अपना काम लें और उसको गंभीरता से करें, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो वो जो है उसको अंकुश लगाया जा सकता है। पर ऐसे में देखने में आता है कि जिस तरीके से नगर निगम महापौर का कहना है कि आप उनकी तरफ से उनके पालन पोषण के लिए जो है आहार की व्यवस्था की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि पोषण की व्यवस्था की जाएगी, तो अभी तक कि मेरे को लगता है कि की नहीं गई होगी। जो अब कह रहे हैं कि की जाएगी, तो इसके लिए नगर निगम को गंभीर होना पड़ेगा और ऐसे पूरे मामलों को जो है गंभीरता से लेते हुए और नजबंदी से लेकर हमारे कह रहे हैं कि गंभीरता नजर नहीं आती। जिला प्रशासन की या नगर निगम की बहुत जिम्मेदारी होती है गौरव जी, गंभीरता नजर नहीं आती। आप लोग जितनी गंभीरता से, आज हमने चाहा कि कोई एनिमल लवर भी हमारे साथ जुड़े, जो संस्था काम करती है हम जुड़े, आप तुरंत उपलब्ध हो गए, लेकिन इतनी आसानी से इस मुद्दे पर कोई सरकारी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जितनी गंभीरता से आप डॉग्स के लिए काम करते हैं, क्या उनकी नसबंदी टाइम पर हो, उसके लिए जिला प्रशासन से कभी बात करते हैं, और वहां से रिप्लाई क्या आता है? एक्चुअली में एक बहुत बड़ा फॉल्ट नगर निगम का है। हमारे यहाँ पे अभी भी जैसे जिनके पास टेंडर था, तो उनका टेंडर में 3-4-6 महीने चला और उसके बाद वो टेंडर बंद हो गया। अब वही सेम पोजीशन है कि वही डॉग बाइट केस हो रहे हैं। और एक आपने इससे पहले एक बात बोली थी कि एक माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो कहीं ना कहीं वो माँ एक अपना मानसिक संतुलन तो खोएगी ना, चाहे इंसान के हो, गाय के हो, किसी भी लिविंग के बच्चे होते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनकी माँ इसीलिए ही काटती है, जब आप उनके बच्चों के पास जाते हो तो वो एक आक्रामक हो जाती है। हम भी डॉग फीडिंग करते हैं, तो जब कोई माँ बच्चे देती है तो हमको थोड़ा दूर से खाना देते हैं, 2-5 दिन उनको ये पता है कि डेली खिला रहे हैं, फिर भी हम उनको थोड़ा दूर से खाना देते हैं क्योंकि माँ आक्रामक हो जाती है। और उसी के सामने अगर आप किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मारेंगे, वो देखेगी तो वो गाड़ी के पीछे भी भागेगी, और उसको नहीं पता किस गाड़ी में कौन था, पर उसकी माँ को किसी गाड़ी, मतलब उसके बच्चे को किसी गाड़ी ने मारा, तो वो हर एक गाड़ी का पीछा करेगी सुरक्षा के लिए। फिर वो जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसके ऊपर लपकेगी, उसके ऊपर उसकी नजर में फिर सभी जी उसकी नजर में फिर सभी खराब है कि एक गाड़ी गई उसने मारा, तो हो सकता है दूसरी गाड़ी भी उसके उसके बच्चे के ऊपर अटैक करे। तो माँ तो माँ ही होती है, चाहे वो किसी की भी है। गौरव जी, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या नॉनवेज का जिस तरीके से इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है जो खाने के बाद जो बचता है, और डॉग्स जो हैं क्या उनको वो खाना मिल रहा है और उसकी वजह से भी वो आक्रामक होते हैं, ऐसा है क्या कोई स्टडी? सबसे पहली चीज तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि नॉनवेज पूरे इंडिया में बंद ही हो, क्योंकि किसी को मार के खाना या अपने पेट भरने के लिए किसी को खाना, ये चीज सही नहीं है। मेरी साइड से तो ये है कि अगर सरकार इसको बैन करे तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो आपका मतलब आपका क्वेश्चन था कि उसका जो हम नॉनवेज खाते हैं और जो उसको सही से डिस्पोज या डंप नहीं किया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इसके अंदर मांस और ये जो सारी चीजें रहती है, इससे शरीर में गर्मी बनती है। इंसान भी इसीलिए ज्यादा ठंड में इसीलिए खाते हैं कि उनके शरीर में गर्मी बने, और डॉग्स भी जब खाते हैं तो वो एक दूसरे को इसी चक्कर में भी काट लेते हैं। डॉग्स एक दूसरे को भी काटते हैं और दूसरे को भी काटते हैं, इंसानों को भी। एक रीजन ये रहता है क्योंकि उसको खाने से शरीर में ज्यादा गर्मी बनती है। तो एक
वो उनके सर पे चढ़ जाती है वो गर्मी, तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन है। अगर उसको सही से डंप किया जाए तो ये चीज नहीं होगी। बाकी अब इंडिया है, आपको पता है कैसा कल्चर है, खाया और मेरा एक सवाल और था कि जिला प्रशासन की तरफ से कितनी मदद मिल पाती है? आप लोग जाते होंगे, जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाएं जो होती हैं तो क्या मदद मिलती है, सुनता है जिला प्रशासन ये नगर निगम जो है ना। मैं आपको अपना एक छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था ऐसी पहली संस्था है जिसने डॉग के लिए भूख हड़ताल रखी थी 10 अगस्त से 14 अगस्त तक, और हमें बहुत सारे वादे भी किए गए थे। मतलब हम लोगों ने एक्चुअल में भूख हड़ताल रखी थी ग्वालियर में फूलबाग पे, और जिसमें हमको ये बोला गया था कि हम आपके लिए मतलब इस बात को ऊपर तक ले जाएंगे, आप लोग ये अनशन खत्म कर दीजिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी इंडिया की फर्स्ट हड़ताल हम लोगों ने करी है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, जिसकी ड्राफ्टिंग हर एक साल छोड़ के होती है। और अभी जो हमारा नियम है, जैसे आप कुछ पशु क्रूरता करते हैं, कोई भी पशु क्रूरता करता है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 50 रुपए की है, जो 1960 में अधिनियम बना था। 1960 से अभी तक इस अधिनियम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो इस चीज को लेके गौरव जी आप लोग एनिमल क्रुएल्टी को लेकर जितना मुखर होते हैं, साथ ही साथ हम भी ये चाहेंगे, आप लोगों से भी चाहेंगे, हर कोई चाहता है कि जितना आप लोग एनिमल क्रुएल्टी को लेकर मुखर हो रहे हैं, साथ ही साथ डॉग्स की जो नसबंदी है ये बहुत जरूरी है कि इसको लेकर भी आप लोगों की जो संस्थाएं हैं वो एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। क्योंकि जिस तरीके से ये बात सच्ची है कि जिस तरीके से काम करना चाहिए, उन्होंने अभी तक वो काम वैसा किया हुआ। जी बिल्कुल। एक्चुअली में ये जब सरकार के पास हम लोग ये चीज लेके जाते हैं, और अगर तब नसबंदी चल रही होती है तो बिल्कुल हमारा काम होता है सब लोगों के लिए जो है अवेलेबल है नगर निगम की तरफ से, तो हम लोग उस चीज को करवाते हैं। और अभी तक लगभग 2 साल के अंदर हमने 300+ नसबंदियां करवा दी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो मेंबर्स हैं, एक्चुअली बहुत वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। जी जो नगर निगम की तरफ से और हमको सहयोग जब भी चालू रहते हैं एबीसी सेंटर तो मिला है। बाकी 30 नसबंदी हमने अपने पैसों से करवाई होंगी 10%, और 300+ हम लोग नगर निगम से करवा चुके हैं। तो जो हमारे मेंबर्स हैं जो भी हैं, उन सबके एरियाज में आप ये समझिए कि नसबंदी हो रखी है और वहां पे आप बच्चे नहीं होते, तो जितने डॉग्स हैं वो उतने ही हैं, और कहीं ना कहीं उनके एरिया में अब शांति वाला माहौल है। लोग हमसे जुड़ते भी इसलिए कि क्रुएल्टी हो रही है। ठीक जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुद्दा जो है वो हमारा मुद्दा ये है, हमारा इस मुद्दे को उठाने के पीछे का रीजन जो है वो यही है, कारण यही है कि ये जो घटनाएं जो है बढ़ रही है तो इसके पीछे कई सारे कारण काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वजह जो है वो कुत्तों की नसबंदी ना होना है, जिसका काम नगरीय निकायों के पास होता है, एक मोटा फंड होता है, और ये फंड कहाँ खर्च हो जाता है ये नहीं पता, लेकिन इस फंड के खर्च हो जाने के बावजूद डॉग्स की बढ़ती संख्या, डॉग बाइट्स के बढ़ते मामले, ये बताने के लिए जरूर काफी है कि स्थिति जो है वो गंभीर हो। इससे पहले हम लोगों को संभल जाना होगा, उससे पहले आपको कदम उठाना होगा। और बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारा पहले न्यूज 18 मंच के माध्यम से उसका कोई रंग नजर आए, उस पर कोई एक्शन नजर आए, उस पर कोई संज्ञान लिया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं भी जो है वो उनमें भी कमी आए, और साथ ही साथ डॉग्स भी जो इंसान के सबसे पुराने और वफादार साथी हैं वो भी बने रहे, हमारा रिश्ता भी वैसे ही वफादार का प्यार का बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। और इसी के साथ आज की चर्चा को यही देते हैं।